तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप फेसबुक पे ही रील्स को बना सकते हैं टेम्पलेट की मदद से। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो फेसबुक है वो दिन पर दिन जो है कि अपडेट होते जा रहा है, तो अब आपको फेसबुक के लिए रील्स बनाने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही अपने फेसबुक के लिए रील्स बना सकते हैं एकदम। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको फेसबुक पे आना है डायरेक्टली। यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा काम करना होगा, उसके बाद आपका जो रील्स है बनकर रेडी हो जाएगा कुछ ही मिनटों के अंदर। और उसको बनाने के लिए ना ही तो आपको कोई ऐप की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई साउंड की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई म्यूजिक की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि आपको कुछ नहीं जरूरत पड़ेगा। सिर्फ आपको अपने जो फोटोज है उनको लगाना है, अपने जो वीडियोज है उसको लगाना है और आपका जो रील्स है बनकर रेडी हो जाएगा, और वो भी सिर्फ टेम्पलेट की मदद से। तो कैसे बनाएंगे चलिए बताते हैं। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो अपना फेसबुक है उसको ओपन कर देना है। फेसबुक ओपन करने के बाद आपको जो है कि यहाँ पे 3 डॉट पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिख जाएगा, इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। होम है, इनसाइट्स है, कंटेंट्स है, ग्रोथ है, मोनेटाइजेशन है। तो आपको इसमें यहाँ पे देखिए जो कंटेंट है यहाँ पे दिख रहा होगा फर्स्ट से तीसरे स्थान पे, आपको इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको इसमें नीचे जाना है, सबसे नीचे आएंगे आप। यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा मोनेटाइज मैक्सिमाइज योर कंटेंट। तो आपको यहाँ पे सीओएल पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे देखिए आप इसमें नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा रील्स टेम्पलेट। तो आपको इसको सीओएल पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने जो कि बहुत सारे जो रील्स हैं उसका टेम्पलेट आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे रील्स के टेम्पलेट आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप जिस पे चाहें उस पर जो है कि रील्स को बना सकते हैं। तो मतलब कि हमको जो है कि एक रील्स यहाँ पे इस पर हमें वीडियो कोई बनाना है, यहाँ पे कोई वीडियो में से ले लेते हैं। ऐसे देखिए सब वीडियो है, तो इस पर हमको कोई पे रील्स बनाना होगा तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है कि क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो नीचे की ट्राई टेम्पलेट लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो कैसा इंटरफेस आ जाएगा, तो उसमें यहाँ पे देखिए नीचे 4 बॉक्स दिए होंगे। तो आपको इसमें अपने जो फोटोज है, अपने जो वीडियोज है उसको उसमें लगाना है। तो लगाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। ऐसे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका जो गैलरी है ओपन हो जाएगा। उसके बाद ऐसे करके आपको बहुत सारे जो फोटोज हैं वीडियो जो है आपको यहाँ से चुन लेना है। तो मैं से 4 फोटो चुन लिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही उसके बाद आपको एक बार फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो वीडियो है वो बन के रेडी हो गया। यहाँ पे देखिए और इसके बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा है, गाना भी चल रहा है। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आप यहीं से सारा कुछ कर सकते हैं। आपके बैकग्राउंड में सॉन्ग भी लग जाएगा और आपका जो फोटोज है वो भी लग जाएगा। अगर आप चाहें तो इसके जगह पर वीडियो भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे ट्राई टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है कहीं से कोई भी वीडियोज ले लेना है ऐसे। उसके बाद ऐसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए आपको जो यहाँ पे वीडियो आ गया। उसके बाद आपको जो बैकग्राउंड है उसमें गाना भी चल रहा है, तो गाना को भी नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमारा जो पेज है उस पर कॉपीराइट आ जाएगा। तो आप इस तरीके से अपने फोटोज और अपने वीडियोज को लगाकर आप भी एक अच्छे तरीके से बना सकते हैं टेम्पलेट की मदद से फेसबुक पे ही। और उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करके आप इसको डायरेक्टली अपने जो फेसबुक है उस पर पोस्ट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप टेम्पलेट की मदद से फेसबुक पे ही आप अपना खुद का जो है रील्स है उसको बना सकते हैं एकदम आसानी से। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।